वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सा नेकलाइन शेयर करूंगी। देखिए, ये मेरे पास कुर्ती है और इसकी मैंने कटिंग कर ली हुई है। इसके फ्रंट पैनल पे देखिए ये वाला पैच बना हुआ है, तो इसके साथ मैंने पीछे लाइनिंग अटैच की है। तो अब देखिए नेकलाइन की कटिंग करेंगे। मैंने बुकरम का पीस लिया है डबल करके। इसकी विड्थ जो है 5 इंचज़ है और लेंथ जो है 8 इंचज़ है। तो अभी देखिए विड्थ वाइज एक निशान लगाएंगे, 3.1 इंचज़ पे एक निशान लगाएंगे और लेंथ में एक मैं पहले 6.5 पे निशान लगाऊंगी और एक 7 पे लगाऊंगी। अब देखिए इन पॉइंट्स को मिलाना है और एक एल शेप ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मेरी जो नेकलाइन की विड्थ है टोटल वो 6.25 इंच है, इसीलिए मैंने 3.1 इंच पे निशान लगाया है। अगर आपने ये विड्थ जो है कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए नीचे से 2.1 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और इसको ऊपर ऐसे मिला लेंगे। अगर आप चाहें, ये मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ लेकिन ये प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं है। नीचे से ये नैरो है और ऊपर से थोड़ी ब्रॉड रहेगी शेप। तो अभी देखिए जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी उसके पास हम 1.25 इंच का बॉर्डर मार्क कर लेंगे और इन सारे निशानों को बाद में मिला लेंगे। देखिए नेकलाइन आप जितना फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे उतने ही आप को जब आपने ये अटैच करना है कुर्ती के साथ उतनी ही फिनिशिंग आएगी कुर्ती में। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से सिक्योर करके ही कटिंग करें। चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप बहुत एक्सपर्ट हैं स्टिचिंग में, लेकिन जितने आप इतने छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी स्टिचिंग में। देखिए जितना रिक्वायर्ड पोर्शन था, जितना हमें रिक्वायर्ड नेकलाइन था उतना मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। और जब आपने इसको पेस्ट करना है फैब्रिक के ऊपर, तो ये देखिए जो बीच में से बुकरम का पीस निकलेगा आप पहले उसको अटैच कर लें, थोड़ा रफली पेस्ट कर लें आयरन के साथ और उसके अराउंड ये हमारा जो नेकलाइन है आप उसको पेस्ट करें। देखिए ये मैंने पार्ट थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर ये है तो बेसिक ही डिज़ाइन, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया। इस मैंने नेकलाइन को फैब्रिक के ऊपर आयरन के साथ पेस्ट कर लिया था और साइडों से कपड़े को कच्ची सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया था। और फिर जो है नेकलाइन की क्रीज़ को और कुर्ती की क्रीज़ को आपस में मिला के सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा ली थी। और अब देखिए बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा फिर डिज़ाइन। आराम से सिलाई लगानी है और देखिए जब ये कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर पे ऐसे स्टॉप करना है मशीन को और सुई हमारी जो नीडल है वो कपड़े के अंदर ही दबी होनी चाहिए और उसके बाद ही टर्न करना है, नहीं तो फिर आपकी स्क्वायर शेप नहीं बनेगी, यहाँ से भी थोड़ा राउंड सा हो जाएगा। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ये नेकलाइन बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आप इसके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक सा है ये। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहते हैं तो आप जहाँ से मैंने 2.1 इंचज़ रखा था विड्थ वाइज, तो आप वहाँ पे उतना ही ब्रॉड रखें जितना आपने ऊपर से रखा था, तो वो एकदम परफेक्टली स्क्वायर शेप बनेगी। अब देखिए सेंटर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग करनी है।
यहाँ पे पैच काफ़ी फैंसी बना हुआ था कुर्ती पे, इसलिए मैंने इसका जो नेकलाइन है बिल्कुल सिंपल सा बनाने का ही सोचा था। अब देखिए कॉर्नर्स पे नॉचेस लगाने हैं छोटे छोटे, और ये जो नॉचेस हैं ये सिलाई को टच नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाई कट जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। देखिए तीनों तरफ तीनों साइड पे कट्स लगा लेने हैं, और अब जो देखिए नेकलाइन को ऐसे बुकरम को उल्टी तरफ फोल्ड कर लेना है। पहले हाथों से सेट कर लेंगे, उसके बाद प्रेस के साथ इसको सेट करना है। अब देखिए मैंने उल्टी तरफ फोल्ड कर लिया है, अब मैं प्रेस की हेल्प से इसको बिठा लूँगी, इसकी तय बिठा लूँगी, नहीं तो ये उभरा उभरा सा लग रहा था। अब देखिए मैंने कच्ची सिलाई भी लगा ली है ताकि हेमिंग करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, हेमिंग हो गई है उल्टी तरफ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।